श्री गुरु नानक देव जी एक दिन करतारपुर साहिब विखे बड़ा ही भयानक पेस धार के अते इकले ही चल पए। मगर बड़े सिख तुरे, भाई लहणा जी अते बाबा बुढ़ा जी भी नाल सन। गुरु नानक देव जी ने सोटा घुमाया, कुछ कु भज गए ते बाकी नाल हो तुरे। गुरु नानक देव जी ने रस्ते विच जांदिया पैसे सुटे अते कुछ कु पैसे चुक के चले गए। फिर गुरु नानक देव जी ने मोहरां सुटियां, कुछ क सिख मोहरां चुक के चले गए। अगे चले तो अगे एक मुरदा पिया सी, एक लाश पई हुई सी, वह मुरदा बदबू मार रहा सी। श्री गुरु नानक देव जी ने आख्या कि कोई सिख इस मुरदे नू खावे ता जो बदबू जिहड़ी है वह खत्म हो जाए। रेंदे खुंदे जिहड़े सिख सन वह वापस चले गए अते भाई लहणा जी अते बाबा बुढ़ा जी बचे। बाबा बुढ़ा जी दरख्त दे ओले हो गए। भाई लहणा जी मुरदे कोल जाके खलो गए। गुरु जी ने पुछया, खलोते क्यों हो, खांदे क्यों नहीं? तद भाई लहणा जी ने आख्या, सतगुरु केड़े बन्नों शुरू करा। सतगुरां ने आख्या, पैरां वालों शुरू करो। भाई लहणा जी पैरां वालों मुरदा खान लगे। जदों चादर चुकी तो इतिहास दसदा है कि थले मुरदा नहीं, कड़ा प्रसाद पिया होया सी। भाई लहणा जी ने उन्हों छकिया ते भाई लहणे नू गुरु नानक देव जी ने आख्या कि भाई लहणिया, सारे सिख वापस चले गए, तू क्यों नहीं वापस गया? तद भाई लहणा ने आख्या, गुरु जी मैं कित्थे जांदा, मेरा तुहाडे तो सिवा है कौन सी? तद गुरु नानक देव जी ने आख्या, भाई लहणिया तू मेरा ते मैं तेरा, अज तो तू मेरा अंग है, जा तेरा नाम गुरु अंगद होया। गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी का नाम गुरु अंगद देव जी रखिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।